So this was my first time with Bombay Times Fashion Week. So it was very overwhelming and very very exciting. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. Very big platform with such celebrated designers. So it was very amazing. Very good experience. Beautiful, beautiful outfit हमने present किया. थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता सकें, आपकी क्या कुछ है? Different different color, different different. Yes. Android. So actually इस outfits के लिए या इस collection के लिए मेरी inspiration थी राजस्थान, because I belong to Rajasthan. सो वहाँ की एम्ब्रॉयड्री, वहाँ की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्रीज, वहाँ का कलर पैलेट एंड उनका जो भी वहाँ का कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्किटेक्चर. सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल गार्मेंट्स. या आई थिंक वी वर वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस टू वॉक द रैंप. मेरा भी बॉम्बे टाइम्स के साथ फर्स्ट टाइम था एंड ऑफकोर्स रुचि के बट अमेजिंग डिज़ाइंस, यू नो दे वर वेरी नाइस एंड लाइट, नॉट वेरी हैवी. सो इट वॉज क्वाइट ईजी एंड वी वर हैप्पी दैट इट ऑल वेंट वेरी स्मूथली एंड सारे कंटेस्टेंट्स, एस आर क्वींस के कंटेस्टेंट्स ऑल्सो वी हैड. सो काफ़ी अच्छा गया शो एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू. बस आई थिंक थैंक्स टू द मेकअप दैट दे मेड मी लुक फ्लॉलेस एंड वी ट्राइड टू डू सम ग्लिटर एंड ऑल. So this is a new thing that even I have tried for the first time because it was a ramp show. So I thought, you know, we can go and try something different. So humne eyes ke aas pass glitter try kiya and yeah, something Indo Western. So you know, hairstyle also we tried to give it some Indo Western feel. कलर्स तो हमेशा से प्यारे लगते रहे, यू नो. सो जितना ज़्यादा ब्राइट कलर्स, इंडियन का लुक और अच्छा हो जाता है. सो व्हेन यू गो फॉर ब्राइट कलर्स ओनली, दैट चेंज योर लुक. सो ऑफकोर्स शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, यू नो. आई हैव ऑल फेथ इन हर फ्रॉम डे वन बिकॉज शी कीप्स डिज़ाइनिंग फॉर मी फ्रॉम द लास्ट टू ईयर्स एंड वो ट्रस्ट तो पहले से ही था. तो मुझे लगा कि मेरे ब्रांड के लिए रुचि लेवल से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. सो मेरे पास काफ़ी डिज़ाइनर्स आए थे बट आई हैव चोजन रुचि बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो एंड प्लस शी इज़ माई डिज़ाइनर ऑल्सो. सो दैट्स हाउ इट इज. मेकअप इज़ फ्रॉम माई ग्लैमब्लश टीम, यू नो. सो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब आई मस्ट से बिकॉज मैं बहुत फिनिकी हूँ मेकअप को लेकर के. मुझे जनरली लोगों के मेकअप पसंद नहीं आते बट ग्लैमब्लश की जो टीम है वो पहले तो समझी कि क्या करना है एंड दे हैव डन अ सुपर्ब जॉब. देख ही सकते हो सबके लुक, कंटेस्टेंट्स को भी देखो, काया पलट है. मानसी वॉज ऑलवेज अ फर्स्ट चॉइस बिकॉज यू नो लाइक वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशन एंड ऑल्सो लाइक व्हेन आई थॉट ऑफ बॉम्बे टाइम्स सो मानसी वॉज ऑलवेज अ फर्स्ट चॉइस फॉर शो ओपनर, यू नो. सो मैं बहुत पहले से थी दिमाग में, कुछ और था ही नहीं, उसके अलावा कोई और नेम ही नहीं था. So because it was after the theme Rajasthan, yeah, so the collection was based on the theme Rajasthan. So Jharoka is supposed to be a window in a palace in Rajasthan. So that's why the name is Rajasthan. It is like the architecture that is there in the palaces of Rajasthan. So that's why the name Jharoka. Lastly, Mrs. India was a big hit. Ma'am, so what are your upcoming projects like? What are you planning now? So my next project is season 2, of course, Mrs. India season 2. And now this time we are going international. So yeah, we are going international and registration is going to open very soon, within a week I must say. Yeah, and the good news is that we have started getting so many calls, I can't say it. You know, it's a biggest achievement actually, and then this second Bombay Times, it's a huge achievement. So whoever wants to apply, they can, you know, yeah, register now. Yeah. यार मैं तो अभी डेंगू से रिकवर हुई हूँ. मैं बोलूँगी प्लीज़ जस्ट बी केयरफुल ऑफ ऑल द मस्किटोज अराउंड एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. दैट शुड बी द मेन प्रायोरिटी एंड यस, डोंट बर्न क्रैकर्स, जस्ट सेलिब्रेट इट विद योर फैमिली. थैंक यू. बताइए कि हमने देखा बहुत ध्यान से आप किस शो को देख रहे हो, आप बताइए कि कैसा लगा आपको, कुछ करना चाहिए इसमें, शो के बारे में.
बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो अपना मॉडलिंग करियर ही शुरू किया है रैंप से, तो आज बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा मुझे, वो पूरी एनर्जी फील हुई बैक स्टेज, डिज़ाइनर आउटफिट्स, वॉकिंग द रैंप, और बस मेरा मन कर रहा था कि किसी तरह मैं भी रैंप पे चढ़ जाऊँ और एक वॉक करूँ। बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी कैंडिस जो वॉक कर रही थी, जिन्होंने शो ओपन किया, ऑफकोर्स गौहर ने शो क्लोज किया। आउटफिट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, बहुत ही क्रिएटिविटी, बहुत ही मज़ा आया। आज मैंने अपने लुक को बहुत ही सिंपल रखा है। आज मैंने एक सिंपल ब्लैक आउटफिट पहना है ग्लिटरी पैंट्स के साथ, और अपने मेकअप को भी बहुत सिंपल रखा है। आज तो एक्चुअली मौका है इन सभी डिज़ाइनर्स को आउटशाइन करने का, तो आई केप्ट माय लुक रियली रियली सिंपल। हाँ जी, मेरी तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली, एंड फाइनली ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है वापस यहाँ आकर। सो विशिंग एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अमेजिंग था। एक्चुअली यह यू आर राइट, क्योंकि मैं यही देख रही थी, अनफॉर्चुनेटली स्किन पे बहुत ज़्यादा आंखें जा रही थी। मैंने देखा कि काफ़ी को थोड़े पिंपल्स थे, एक्ने थे, क्योंकि मेकअप और स्ट्रेस की वजह से एक्ने हो जाते हैं। सो यस, कुछ लोगों का एक्ने थे, लेकिन बॉडी स्किन बहुत अच्छी थी, बहुत केयर की है उन्होंने। लेकिन ऑफकोर्स ये एक थोड़ा डेंजर होता है इस फील्ड में कि जब आप इतने स्ट्रेस से, इतनी लाइट्स और चेंजेस एंड इतना मेकअप होता है, तो थोड़े से एक्ने तो हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस, माय गॉड, दे आर इंटरनेशनल नाउ। जो हमने मिसेज इंडिया क्वीन जो गोवा में हुआ था, और यहाँ ऑफकोर्स दे वर मच मोर कॉन्फिडेंट, दे वर कैरिंग देमसेल्फ वेरी वेल, दे वर ड्रेस्ड बेटर। सो आई थिंक उनकी जर्नी में ये सेकेंड स्टेप था, एंड आई फील दैट दे कैन गो इंटरनेशनल नाउ। एक्चुअली यू नो इट वॉज सो नाइस टू सी श्वेता रॉय, यू नो इज़ द फाउंडर ऑफ मिसेज इंडिया क्वीन इंटरनेशनल, शी वॉकिंग डाउन, मानसी माई पर्सनल फेवरेट, शी वॉज सो स्वीट एंड आई कुड मेक आउट दैट मानसी, बिकॉज शी इज़ अ प्रैंक्सटर, वो बहुत प्रैंक्स करती है, उसको अपनी हंसी कंटेन नहीं हो रही थी। सो आई एन्जॉयड फ्रंट रो पर बैठ के, इट वॉज सो मच फन। आई लव दैम, यू नो आई लव कलर्स, टुडे आई एम वेयरिंग अ वाइट बट आई लव कलर्स, एंड देर वॉज सो मेनी कलर्स इन द आउटफिट, आई लव द आउटफिट बाय रुचि। Thank you so much. So I have prepped up myself only. I have picked up their dress from Lokhandwala. I went with Kanika. So it's a simple dress, but I have just teamed it with a belt, and I have this little purse which doesn't hold anything much but serves the purpose. So thank you, and I am feeling very good. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.